हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन कौन सी है और आप उसमें वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं, उसकी वॉइस को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अभी मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है वो काइन मास्टर एप्लीकेशन है। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं अपनी वीडियो को एडिट। अभी आपको पहले जैसे आप काइन मास्टर सॉफ्टवेयर खोलेंगे, एप्लीकेशन खोलेंगे, तो उसकी ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। तो इसमें आपको जैसे आप प्लस पे प्रेस करेंगे, टच करेंगे, तो ये तीन रेशियोज आ जाएंगी कि आपकी वीडियो कौन सी रेशियो में है। तो मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 16:9। ये करते ही फिर हम जाएंगे मीडिया में। जैसे मीडिया पे टच करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप वीडियो कहाँ से चूज़ करना चाहते हैं। जैसे मेरी डाउनलोड में वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये वीडियो है, इसको वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा ये नीचे आ जाएगी, इसको टिक करूँगा, ऊपर टिक करते ही ये वीडियो मेरी सिलेक्ट हो गई। ये देखिए, ये पूरा वीडियो पंजाबी वीडियो है, ये पूरा वीडियो सिलेक्ट होके नीचे आ गया। अब जैसे अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, मान लो यहाँ से प्ले करता हूँ, ये देखिए अभी तक साउंड शुरू नहीं हुआ है। मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ से पीछे का वीडियो कट हो जाए, ठीक है ना, यहाँ से पीछे का वीडियो कट हो जाए और मुझे आगे का वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके लिए आपको वीडियो के ऊपर टच करना होगा, जो नीचे में वीडियो दिख रही है, वीडियो के ऊपर जैसे ही यहाँ पे टच करोगे, ये देखो वीडियो के ऊपर टच किया, ये सिलेक्ट हो गई। नीचे में जो रील बन रही है, ये जो वीडियो बन रही है, जैसे इस पर टच किया ये सिलेक्ट हो गई। तो अभी आपको इसके ये जो सीजर का निशान बना हुआ है, कैंची का निशान बना हुआ है, इस पर जाना है। जैसे आप कंची के निशान पे जाओगे तो आप यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, जैसे आप ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड करोगे तो ये इसके प्ले हेड के जो लेफ्ट की वीडियो थी वो कट गई। देखो अभी आपकी वीडियो यहाँ से शुरू हो गई, अभी आपकी वीडियो जो है वो यहाँ से शुरू हो गई। जैसे आप टिक करोगे और प्ले करोगे, वीडियो पीछे की वीडियो कट गई आपकी। अब अगर आप चाहते हो, ये प्ले हेड है सेंटर में जो है, ये प्ले हेड है, अगर आप चाहते हो कि प्ले हेड के राइट की वीडियो कट जाए, जैसे मान लीजिए ये देखिए लास्ट में जैसे ये है, प्ले हेड, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्ले हेड के राइट वाली वीडियो कट जाए, राइट वाला पोर्शन कट जाए और बीच वाली वीडियो मुझे चाहिए बस, तो मैं फिर से इस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही इस पे वीडियो पे टच करूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगी। फिर से इस पे सीजर पे जाऊँगा और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड करूँगा। जैसे ही ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड करूँगा तो ये राइट साइड वाली वीडियो कट गई। देखो फिर से टिक कर दूं, अभी जो राइट साइड में वीडियो था यहाँ से प्ले हेड के वो कट गया। देखो अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, गायब हो गया है, अभी मेरा सॉन्ग यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो अगर आप यहाँ से चाहते हो कि प्ले हेड है, जैसे यहाँ से आप चाहते हो कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से मतलब बीच में से आपको अगर वीडियो को डिलीट करना है, पहले तो मैंने आपको बताया कि आप स्टार्टिंग का लेफ्ट वाला पोर्शन और प्ले हेड के राइट वाला पोर्शन कैसे काट सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो के बीच वाला पोर्शन काटना है तो उसके लिए आपको पहले वीडियो को स्प्लिट करना पड़ेगा। इसके लिए जैसे हम फिर से वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, जैसे इस पर टच करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगी। अभी हम इसको सीजर वाले ऑप्शन में जाएंगे और स्प्लिट कर देंगे इसको। जैसे स्प्लिट कर देंगे, ये देखिए ये हमने स्प्लिट कर दिया यहाँ से वीडियो को। जैसे ही वीडियो को स्प्लिट कर दिया, अब ये वीडियो दो पार्ट्स में हो गई। ये देखिए यहाँ से वीडियो दो पार्ट्स में हो गई यहाँ से। अब यहाँ से जैसे आप इस वीडियो को सेलेक्ट करोगे तो इसके आप स्टार्ट वाला ट्रिम कर सकते हो और लास्ट वाला भी ट्रिम कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप पीछे वाली वीडियो को सेलेक्ट करते हो तो पीछे वाली वीडियो को भी आप लास्ट से भी ट्रिम कर सकते हो और स्टार्टिंग से भी ट्रिम कर सकते हो। तो मतलब आप वीडियो को स्प्लिट करके ट्रिम कर सकते हो। जैसे ये देखिए, इस वीडियो को मैं अगर मान लो लास्ट का पोर्शन इतना ट्रिम करना चाहता हूँ तो मैं सीजर पे जाऊँगा और राइट ऑफ द प्ले हेड को कट कर दूंगा। ये देखिए जो उसका राइट ऑफ द प्ले हेड था वो कट हो गया, टिक कर दिया। अभी मैं अगर यहाँ से प्ले करता हूँ, जो स्प्लिट किया था वो भी प्ले होता रहेगा। लेकिन आप अगर बीच में से प्ले उसको काटना चाहते हैं, वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले बीच में से वीडियो को स्प्लिट करना पड़ेगा और फिर आपको उसको अपना ये अपना उसको ट्रिम करना पड़ेगा लेफ्ट से या राइट से। अब ये हो गया
वीडियो में वीडियो को स्प्लिट कैसे करना है। अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको। मान लीजिए अभी इसमें जैसे गाने का सॉन्ग जो है इसमें सॉन्ग चल रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं आप इसमें अपनी आवाज़ देना चाहते हैं, ये देखिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे ये सॉन्ग चल रहा है, जैसे ये सॉन्ग चल रहा है, लेकिन आप चाहते हो अगर कि इसमें आप अपनी आवाज़ देना चाहते हो तो उसको आप मान लो मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की वीडियो में 5-6 सेकंड की वीडियो में मैं अपनी आवाज़ दूँ, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं थोड़ा सा आगे करके इसको फिर से स्प्लिट कर लेता हूँ, थोड़ा स्प्लिट करके ये स्प्लिट कर लिया। अब इस वाली वीडियो में मैं अपनी आवाज़ देता हूँ, जैसे ये देखो, जैसे ये वाली वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है लेकिन मैं इसमें अपनी आवाज़ देता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा। जैसे बीच वाले वीडियो को थोड़े से पोर्शन को मैंने सिलेक्ट किया, अब पहले मैं सीजर वाले पे जा रहा था, अभी वॉल्यूम वाला, ये स्पीकर वाला जो ऑप्शन बना है इस पे जाएंगे, स्पीकर वाला ऑप्शन पे जाएंगे और ये जो इसकी वॉल्यूम है 100% से ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो करते ही टिक करोगे आप जैसे ही, तो अभी देखो इसमें गाना नहीं बजेगा, इसमें जस्ट आपको देखो पिक्चर दिखाई दे रही है, गाना नहीं बज रहा है। लेकिन जैसे ये प्ले हेड खत्म होगा, आगे वाली वीडियो शुरू तो गाना शुरू हो गया, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो गाना नहीं बज रहा है यहाँ पे मैं अपनी आवाज़ दूँ, तो उसके लिए आप वॉइस में जाएंगे, लेकिन मैं अभी अपनी आवाज़ नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्डर लगा रखा है तो उसमें मेरी आवाज़ मुझे सेव नहीं हो सकती। जैसे मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, ये नीचे वॉइस का ऑप्शन है, वॉइस के ऑप्शन पर आप जाओगे, जैसे वॉइस के ऑप्शन पर जाओगे यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो जैसे स्टार्ट करोगे हो गया, अभी देखिए मेरी वॉइस यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। तो आप जैसे ही यहाँ पे स्टॉप करोगे इसको, देखो यहाँ तक मैंने कर दी, यहाँ तक कर दी, अभी आप अगर यहाँ से गाना प्ले करोगे तो देखना बीच में, लेकिन अगर आप यहाँ से गाना प्ले करोगे अगर वही मैं बताया आपको, जैसे कि अभी एक्चुअली अभी रिकॉर्डर चला रखा है मैंने, तो मेरी आवाज़ अभी इसमें सेव होगी नहीं, तो इसके लिए जैसे अगर आपका आप जैसे रिकॉर्डर ख़त्म कर लेते हो तो उसके बाद में आप यहाँ से वॉइस में से अपनी आवाज़ दे सकते हो। आप इसमें जैसे वॉइस पे टच करोगे, ये स्टार्ट करके ऊपर में टिक करोगे तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी, और उसमें आप इसको बैकग्राउंड वाली वॉइस को कम भी कर सकते हो कि बैकग्राउंड वाली वॉइस थोड़ी कम आए और आपकी वॉइस ज़्यादा रहे, या फिर बैकग्राउंड वॉइस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए और आपकी वॉइस आप देना चाहते हो तो वो आप इसमें कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे अभी वीडियो यहाँ से देखिए, जैसे ये वीडियो ब्लैंक चल रहा है, अब आप चाहते हो कि इसमें कुछ लिख के आए तो आप लेयर्स में जाएंगे, जैसे लेयर में जाएंगे यहाँ पे आप टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाके आपको जैसे कुछ भी लिखना है, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब माई चैनल, जैसे मैंने लिख दिया सब्सक्राइब माई चैनल, ओके करूँगा तो इसको आप जितना मर्जी बड़ा कर लो, साइज़ कर लो, जहाँ रखना है इसको, जहाँ पे पोजीशन करना है वहाँ पे कर लो, ठीक है ना, आप यहाँ पे इसको पोजीशन करो। फिर इसमें आपको जो भी कलर देना है यहाँ पे टच कीजिए, यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया, इसको टिक करेंगे तो ये रेड कलर में आ गया सब्सक्राइब माई चैनल, तो आप जैसे इसको टिक करोगे तो ये आ गया यहाँ पे, ये देखिए। अब आप जैसे ही प्ले करोगे वीडियो चलता रहेगा, लेकिन आपने जो इसमें लिखा है वो भी साथ में आता रहेगा। अब आपने जो लिखा आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, उसके लिए आपको जो लिखा है ये नीचे आ रहा है इस पर टच करोगे, जैसे इस पर टच करोगे ये देखिए ये आ गया। अब आप इसको प्लेहेड को यहाँ से आगे, पहले लास्ट तक नहीं था यहाँ तक था ये, अब इसको मैं बढ़ा के थोड़ा लास्ट तक कर देता हूँ, जैसे लास्ट तक करूँगा तो जब तक वीडियो लास्ट तक चलेगा तब तक इसका सब्सक्राइब माई चैनल आता रहेगा, ये देखिए। हो गया कि आपको इसमें लिखना कैसे है। अब आप अगर इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे मीडिया है, इसमें आप कोई और अपना एक फ़ोटो भी ऐड करना चाहते हो वो भी ऊपर में आपके ओवरले करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप इफ़ेक्ट्स देना चाहते हो, जैसे इफ़ेक्ट्स में आप इसमें इसको चाहते हो कुछ ब्लर हो जाए तो आप जैसे ये ब्लर का ऑप्शन आएगा, जैसे आप टिक करोगे तो यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए आप जैसे चाहते हो, अगर मान लीजिए आप कुछ भी जैसे ब्लर करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ अभी देखिए लड़की का फेस आपको बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन जैसे आप इसके ऊपर कर रहे हो ये ब्लर हो गया, तो आप इसको यहाँ पे रख के टिक कर देंगे तो ये ब्लर हो जाएगा, ये देखिए। उसके बाद जैसे
जैसे आप ये सब कर लोगे, आपको जैसे करने के बाद अगर वीडियो सेव करना है जैसे लास्ट में, तो ये शेयर वाला ऑप्शन बन रहा है लेफ्ट साइड में, देखिए लेफ्ट साइड में आप शेयर पे टच करेंगे। जैसे ही लेफ्ट साइड में शेयर पे टच करेंगे तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो वीडियो आपके चैनल में सेव हो जाएगा। तो अगर अभी अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वेरी मच, धन्यवाद।